Nina! Nina? जी बापूजी। हो क्या कर रही हो बेटी? परसों मेरी सहेली शोभा का जन्मदिन है, मुझे शहर जाना है। शहर ना जाऊं? ये बात नहीं बेटी, सोचा था तेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो फिर तुझे शहर से कोई संबंध नहीं रहेगा, तू मुझे अकेला छोड़ कर। दो दिन की तो बात है। दो दिन? मीना तेरा बाप जिंदा होता तो वो भी तुझे इतना प्यार नहीं करता जितना कि मैं जानती हूँ। मैंने भी होश संभाला तो आप ही को अपना सब कुछ जाना है। अगर मेरे शहर जाने से आपको इतना दुख होता है तो मैं नहीं जाती। नहीं बेटी, तू शौक से जा, पर इतना जरूर है कि जब तू शहर का नाम लेती है तो आपका दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन क्यों बाबूजी, क्यों? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या है शहर में? लुटेरे। लुटेरे? हाँ, भोले भाले इंसानों की खुशी लूटने वाले। जहाँ तू जा रही है उसी शहर में मेरी खुशी लूटी गई। क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटी, मैं भी कभी शहर में रहता था, लेकिन उस वक्त मेरा नाम सरदार राजपाल नहीं, सिर्फ गोपाल था। मेरा भी घर था, चाहने वाली बीवी और चांद सा मुस्कुराता बेटा शंकर। फिर किस्मत ने रंग बदला, जिन्हें दोस्त समझता था आज दिन के सांप निकले। अमर और विष्णु दो भाई थे जिन्होंने मेरी सारी दौलत लूट ली। फिर वो रात आई जिसकी याद अब तक मुझे तड़पाती है। नहीं, ऐसा ना करो अमर, विष्णु, ऐसा ना करो। तुम दोनों भाई मेरे दोस्तों, आज कितने महीनों से तुम दोनों मिलकर मुझे लूट रहे हो। ये पैसा मैं अपनी बीवी की सेवा गिरवी रखकर लाया था तो तुमने ये भी लूट लिया। ये मुझे वापस कर दो अमर, वरना मैं कहीं का ना रहूंगा। विष्णु, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तबाह न करो, समझाओ ना अमर को। असल में भैया की समझ बहुत कमजोर है, घबराने की जरूरत नहीं। ये अंगूठी जो है तुम्हारे पास, आखिरी दांव लगा के देखो, शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे जाए। क्यों भैया, ख्याल बुरा नहीं? इस कमीने लुटेरे कहां जा जाने ना पाए, देखता हूं तेरे को। भैया आजा, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। भैया मुझे हाथ में लगाओ कमला, कहीं मेरे पाप की छाया तुम पर ना पड़ जाए। मैं खूनी नाथ, मुझसे अमरनाथ का खून हो गया। ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं कमला, मैं खूनी हूं, मैं मुजरिम हूं। कमला पुलिस, कमला शंकर को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, एक दिन मैं इसे तुमसे लूंगा। कहां है गोपाल? कहां है मिस्टर गोपाल? तो मुझे नहीं छिपा सकती, उसने मेरे भाई की जान ली है, मैं उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर ही रहूंगा। और अब वो नहीं बच सकता, अगर बच भी गया तो तुम दोनों मौजूद हो।
मोहल्ले वालों ने मुल्तिम गोपाल की पत्नी कमला देवी और उनके बच्चे शंकर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आग सारे मकान को घेर चुकी थी और अंदर जाना मुमकिन न था। देखते ही देखते सारा मकान जल के राख हो गया और माँ बेटे दोनों आग की नजर हो गए। ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। सारी दुनिया को उनकी मौत का यकीन है, लेकिन मुझे नहीं। उनकी खोज में शहर शहर गांव गांव फिरा, लेकिन न कमला मिली न शंकर। मायूस होकर मर जाना चाहता था तो भगवान ने तुझे भेज दिया। तू भी बेआसरा थी और मेरा भी कोई नहीं। तुझे सीने से लगाए आसाम के इन जंगलों में आबसा और इन हाथों से फिर से खोई हुई दौलत पाई, लेकिन मन का चैन हमेशा को छिन गया। कितना बड़ा तुम छेला आपने, पर मुझे पता तक नहीं। बताने से भी क्या हासिल बेटी, देख देख तेरी मुस्कुराती आंखें आंसू में डूब गई ना, ले आंसू पहुंचता है। अच्छा तो तू अब शहर जाने की तैयारी कर। हाँ बेटी, शहर जा रही है तो मेरा भी एक काम करना। कहिए। वो बदमाश भोला और उसके साथी दिन दहाड़े चोरी करने लगे हैं। अपने जानवरों और जमीन की देखभाल के लिए मुझे दो ऐसे आदमियों की जरूरत है जो घुड़सवारी और बंदूक चलाना जानते हो। 300 रुपये तक तनख्वाह दी जाएगी। शहर जा रही हो तो इश्तेहार दे देना, क्या समझी? बाबूजी, एक बेहतरीन तरकीब, आपकी पत्नी और आपके बेटे शंकर का पता इश्तेहार से लग सकता है। हाँ, इश्तेहार से मेरे दुश्मनों को भी मेरा पता लग सकता है। तो आपको अपना नाम देने की क्या जरूरत है? उसी नाम से इश्तेहार दीजिए जिस नाम से आप यहाँ मशहूर हैं, सरदार राजपाल। हाँ। मगर इस नाम से मेरी पत्नी और बेटे शंकर को कैसे पता चलेगा कि वो मेरा इश्तेहार? हाँ बाबू जी, आप अपने पत्नी को क्या नाम लेकर पुकारा करते थे? मैं प्यार से उसे कम्मो कहा करता था। तो उसी नाम से इश्तेहार दीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका संदेश आपकी पत्नी तक जरूर पहुंच जाए और मेरे बेटे शंकर तक। देखो, अब तो जवान हो गया। ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सभी हंसी सभी जवान, कहाँ पे दिल को हारिए। सभी हंसी सभी जवान, कहाँ पे दिल को हारिए। सभी है दिल की महिमा, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न
न जाने इनमें कौन है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। दीवाने हम से चाह के तो बेकरार हो लिए दीवाने हम से चाह के तो बेकरार हो लिए के दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए गुनाहगार हो लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं न जाने इनमें कौन है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। चाचा सूर्य शंकर क्या बना तेरी नौकरी का? बस जंग शुरू होने का इंतजार, इधर जंग छिड़ी उधर अपनी पुरानी नौकरी पे बुला लिया जाऊंगा। वही मिलिट्री? अरे चाचा मिलिट्री का जवाब नहीं, क्या ठाट है क्या शान है चाचा। पिछली जंग में जब मैं बर्मा गया था ना तो मुझे मालूम है बाबा, पर इतना तो सोच तेरी बुरी माँ कब तक सिलाई कर घर चलाएगी। बस आज मैं यही तो उससे कहने आया था चाचा, ये देखो। है ये कहाँ से लाया? चाचा ये मत पूछो कहाँ से लाया हूँ और कैसे लाया, लेकिन कमाई ईमान की है चाचा। चाचा कभी रेस के मैदान पर गए? क्या अजीब जगह है वो भी, एक तरफ घोड़े भागते हैं और दूसरी तरफ गधे चिल्लाते हैं कम ऑन कम ऑन, और कभी कभी भगवान भी गधों की सुन लेता है चाचा। अरे बारे भगवान। बस एक बार दर्शन दे दो नाथ तुम्हारे चरण छूने को, ये सांस की डोरी था मैं बैठी हूँ। प्राणनाथ की पूजा हो रही? शंकर तुम नाराज हो चाहे खुश, लेकिन जब तुम्हें इस इंसान की पूजा करते देखता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है माँ। वो मेरे पति हैं और तेरे बाप। जो इंसान अपनी भोली भाली बीवी के जेवर जुए में हार सकता है उसे दरबदर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ सकता है, अपने नन्हे बच्चे को बेआसरा बेघर और बेदंत कर सकता है, वो ना तो किसी का पति है और ना किसी का बाप। ये तेरी नादानी है जो ऐसे शब्द मुझे निकाल रहा है, तू क्या जाने उन पर क्या बीतता पड़े। वो मैं जानू चाहे ना जानू, लेकिन ये जरूर जानता हूँ जो बीतता तुम पर पड़ी और मेरे दिल पर गुजरी, मोहल्ले के हर बच्चे ने मुझे खूनी का बच्चा समझकर छुटकारा है, एक मुजरिम का बेटा समझकर मुंह फेरा है, और ये सर इन्हें अपनी जान इतनी प्यारी थी कि आज तक हमारी खबर न लेके जीते हैं या मरते हैं। उन्हें क्या पता हम कहाँ हैं मूर्ख, क्या जाने उन पर क्या गुजरी, लेकिन मुझे विश्वास है उनका दिल भी हमारे लिए बेचैन होगा, उन्हें भी हमारी तलाश होगी, एक न एक दिन हमें जरूर मिलेंगे। और जिस दिन वो तुम्हें मिलेंगे तुम्हें पति और बेटे में से एक को चुनना होगा। शंकर ये मेरा अटल फैसला है माँ। जरूरत है दो आदमियों की, जायदाद की देखभाल के लिए घुड़सवारी और बंदूक चलाना जानना जरूरी। इस पते पर मिली सरदार राजपाल, सूना नगर, घाटपुर, आसाम। मेरी कम्मों के नाम जहां भी तुम हो, 20 साल पहले जो अमानत तुम्हें सौंपी थी वह मांगने का दिन आज आ गया है, जल्द से जल्द मेरे बेटे को लेकर मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा राजपाल, सूना नगर, घाटपुर, आसाम। तुमने मेरी सुनी हे भगवान। मिस्टर शर्मा। यस सर। आपने ये इश्तिहार देखा? जी हाँ, अजीब सा इश्तिहार है। मुझे इस आदमी पर कुछ शक सा हो रहा है। आप घाटपुर पुलिस ऑफिस खत लिखकर मालूम कीजिए कि ये इंसान राजपाल कौन है, मुझे जल्द अज जल्द रिपोर्ट मिलना चाहिए।
बहुत बेटर। सोहन वो मिल गया, मुझे उसका पता मिल गया। किसका पता? मेरे दुश्मन और तुम्हारे चाचा के कातिल का पता। ये देखो अखबार, देखो उसने दो इश्तहार दिए हैं। पहला है दो आदमियों की जरूरत है जायदाद की देखभाल के लिए, और दूसरा है उसकी बीवी कमला के नाम, जिसे अक्सर वो मेरे सामने कम्मो कहकर पुकारता था, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं कि उसकी बीवी और शंकर कभी के मर चुके हैं। मुझे अब तक वो रात याद है, तंग तारीख गली के ठंडे सीने पर मेरे जवान भाई की लाश खून में डूबी पड़ी थी और कातिल भाग चुका था। कांपते हाथों से मैंने उसके लहू से तिलक लिया और बदले की सौगंध खाई थी। सोहन, आज वो दिन आ गया है, आज मुझे किसी से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस को उन्हीं का पता दे रहा हूं। आप पुलिस को खबर करें, गोपाल की गिरफ्तारी होगी और फिर फांसी, लेकिन उसकी मौत से फायदा? क्या बक रहे हो? जरा सोचिए, एक इंसान ने 20 बरस अपने बेटे की खोज की, उस बेटे के लिए अपने पसीने और अपने खून से दौलत जमा की, और अब मरने से पहले वो ये दौलत अपने बेटे को सौंप देना चाहता। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि उसका बेटा मर चुका है, तो उसे फांसी का क्या डर, मौत का क्या गम? न जाने क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फांसी से बड़ी एक और सजा भी हो सकती है, और वो ये कि उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत उसके दुश्मन पाए, वही दुश्मन जिनसे वो छुपता फिरा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहुत आसानी से, गोपाल के इश्तहार से पता चलता है कि वो इस ख्याल में है कि उसकी बीवी और बेटा जिंदा है, लेकिन वो दोनों मर चुके हैं। फिर भी एक इंसान गोपाल के पास जाएगा, उसका बेटा बनकर, जिसे वो अपनी सारी दौलत सौंप देगा। कौन? मैं। आशा खो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा संदेश देखकर मानो नया जीवन मिल गया है। नाथ, मैंने प्रतिज्ञा की थी जिस दिन तुम्हारे जीवित होने की खबर सुनूंगी तो तुम्हारे चरण छूने से पहले तीर्थ यात्रा को जाऊंगी। इस यात्रा में मुझे 2-3 महीने लगेंगे। तुम्हारे बेटे शंकर को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, लेकिन दुख की बात तो ये है, उसे अपने पिता से कोई प्यार नहीं। दुखों के कारण तुम्हारे खिलाफ उसके दिल में ऐसी नफरत पैदा हो गई है जो आज तक मैं दूर न कर सकी। वो तुम्हारे पास तुम्हें पिता समझ कर नहीं बल्कि नौकरी का इश्तिहार देख कर आ रहा है। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके पिता हो तो वो पल भर भी तुम्हारे पास न जाए। ले, इस सिफारिशी चिट्ठी है राजपाल जी के नाम। अपने मोहल्ले में डिप्टी साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसे देखते ही वो फौरन तुझे नौकरी दे देंगे। अच्छा? हाँ, और देख, नौकरी मिलते ही मुझे चिट्ठी लिख देना, मैं फौरन तेरे पास आ जाऊंगी। और रहने की जगह तो मिल ही रही है। ओ मामी, तुम इतनी खुश हो रही हो जैसे 300 रुपए की नौकरी नहीं, बहुत बड़ी जायदाद मिल रही हो। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ओके ओके ओके, जल्दी कर, गाड़ी का समय हो गया। मैडम, बस जाइए। गुंडा कहीं का? जी नहीं, आर्टिस्ट, लवर ऑफ ब्यूटी। मदनपुर सैर करने, और तू सुनता नगर वापस घर को? मैं तो डर रही थी, रात का सफर है, ना जाने कौन साथी मिले, मगर अब तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा डाली, तुम एक काम करो, तुम मेरा सामान ठीक करो, मैं कुछ मैगजीन खरीद के अभी आई। हाँ, जल्दी आना। ओ श्योर। दीदी। अरे रामू, कहाँ सब हो गया दीदी?
बाबूजी का मोटर से एक्सीडेंट हो गया। हाय राम, ये कैसे हुआ? ये सब बाद में पूछना, अब तुम नहीं जा सकती, जल्दी चलो वापस, वो कोई दम के मेहमान। I'll take this, this and this. How much? 1 बजाकर रजाई टांग दी। देखिए गीता, इतनी जल्दी नहीं सो सकती, मुझे तुझसे भी बहुत सी बातें करनी है। अब उठती हो लाडली या फिर श्यामक आई है? हाँ, मुझे मालूम है तू हमेशा से नींद की कच्ची है। बदमाश, कुंडे, लफंगे। जी, उन सबको दूसरे डब्बे में सवार कराया। ये तो खाकसार आर्टिस्ट, लवर ऑफ ब्यूटी। आर्टिस्ट के बच्चे, ठहर जा, मैं भी जंजीर खींच के तुझे गिरफ्तार करवाती हूँ। गिरफ्तार? शायद आप इस ख्याल में हैं कि ये जनाना डब्बा। ना सही, लेकिन तुमने बदतमीजी की है, तुम मेरे पीछे पड़े हो। बहुत खूब, मेरी रजाई खींचे आप और बदतमीज मैं। अरे वाह, मैं अपनी सहेली के धोखे में थी और तुम मकर के पड़े रहे। मैं तुम्हारे साथ इस डिब्बे में सफर नहीं करूंगी, तुम्हें ये डब्बा खाली करना होगा। हाँ मैडम, फर्स्ट क्लास का किराया दिया, कोई मुफ्त में सवार नहीं हो गया। देखता हूँ कौन माइकल आल इस डब्बे से उतारता है। खींचिए जंजीर, लेकिन ख्याल रहे जुर्माना सिर्फ 50 रुपए और कभी कभी जेल की हवा भी खाना पड़ती है। खींचिए जंजीर। अच्छा, क्यों नहीं? मत अजी, मैं जानता था कि आप जंजीर नहीं खेल सकते। जरा सोचिए कितनी अनोखी है ये मुलाकात। शट अप। गुड नाइट, बाकी बातें दिन के उजाले में होंगी, और ख्याल रख। I said shut up. क्यों नहीं जा सकते? आपसे पहले मेरा सामान पहुंचा। टांगे वाले, मेरा सामान रखो। टांगे वाले, खबरदार, अगर इन मैडम का सामान इस टांगे में रखा तुम्हारी लंबी मूछें काट दूंगा। ये क्या कर रहे हो? दूर झगड़ा आप दोनों का है और दुश्मनी मेरी मूछों से। ऐसा ही होगा, मिलिट्री में रह चुका हूँ प्यारे, पहला बार मूछों से करता हूँ। साहब मिलिट्री के हजाम थे, तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरा सामान रखो वरना तुम्हारा सीमा निकाल दिया जाएगा। मैम साहब की गोश्त की दुकान है। ये क्या कर रहे हैं हुजूर, झगड़ा क्यों करते हैं? हुजूर आपको जाना कहाँ है? राजन, मुझे घाटपुर जाना है। और आपको? घाटपुर। कहाँ जाना है? हाय, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जी जाना तो कहीं और था, लेकिन अब घाटपुर ही जाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी नाचीज को प्रेम कुमार कहते हैं, पैदाशी आर्टिस्ट, हुसन की पूजा मेरा काम। ये मिलेगी नौकरी? जरूर मिलेगी।
बैठाने वाले, ये घाटपुर यहाँ से कितनी दूर है? कोई 20 मील है बाबू। 20 मील? ओ माय गॉड, ये नहीं शाम तक हमें यूं ही हिलते रहना। सुनो तो। क्यों उस्ताद, गाने वाने का शौक रखते हो? शौक तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के सामने मैं क्या गाऊं? बीबी जी से कहिए। क्यों बीबी जी? शट अप। बीबी जी का मूड खराब है, मेरा ख्याल है तुम ही गाओ। खबरदार जो गाना वाना गाया, इसी तरह टांगा चला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजीब खुश इंसान है आप भी। गाना मत गाओ, मोहब्बत की बातें ना करो, आखिरी रास्ता कटेगा कैसे? उठाने वाले गाओ इसी तरह। मजाल है उसकी जो गाए। जिन्हें मैं नहीं गाऊंगा साहब, हरगिज नहीं गाऊंगा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फे हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कजा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। हसी रुत भी हसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हसी रुत भी हसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश है, धड़कने मदहोश है, पिए बिन आज हमें चढ़ा नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो। मान के तो देखो कभी किसी का कहा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। याद रखो, अगर शाम से पहले मैं घाटपुर में पहुंची तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन है आप? थानेदार है यहाँ की? गरीब पर इतना धौंस क्यों जमा की? घाटपुर पहुंच लो, वो मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। कसम से। Thank you.
परिवार में था, किराए मार के चल दी। बस किराए के लिए इतनी फिक्र? समझ गया बाबू, तुम्हारी बहुत कीमती चीज ले गई है, नाजों से पाला हुआ दिल। कुछ ज्यादा ही समझ गए, जल्दी से पहिया तैयार करो वरना वरना मेरी मूछों की खैर नहीं है ना। एक किराया मार के चलते और दूसरा भाई मूछों के पीछे पड़ा हुआ है। पहिया माली हो माली। कौन हो तुम? कर्नल साहब नहीं है? नहीं है। देखो मैं जा रही थी, तूफान आ गया, मुझे रात भर यहाँ रहना है। हाँ हाँ भैया, इनकी फान दानी जान पहचान है, तनिक रात भरे को रह लें दो ना। अच्छा आओ। सलाम। कपड़े बदल कर चुपके से सो रहो, सवेरे उठते ही चल देना। हाँ। समझे? हाँ, सुबह होते ही चली जाऊंगी। अरे राम, कर्नल साहब आ गए, अब तो मेरी खैर होगी। साहब आ गए। अरे अरे कहाँ घुसे आ रहे हो, कौन हो तुम? नहीं पहचाने? नहीं नहीं पहचाने, मैंने कहा था ना। ठीक कहा था आपने। तुम फिक्र ना करो दोस्त, कर्नल साहब मुझे खूब पहचानते हैं, वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, साथ पढ़ चुके, कभी छुलक भी देखी है उनकी। क्या बात करते हो तुम, मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, पिछली जंग में मैंने कर्नल साहब की जान बचाई थी। हुजूर ठीक कह रहे हैं, मैंने अखबार में हुजूर का फोटो भी देखा था। देखा था ना, समझा इस कमबख्त को। सुना और देखो, कल सुबह होते कर्नल साहब को हमारे आने की खबर कर दो, अकेले में हमारे यहाँ जी नहीं लगता, समझे? समझ गया, आप भी रहिए शौक से। मैं भी? यानी कि और भी है क्या? जी हाँ, कर्नल साहब की पुरानी दोस्त। हेलो मिस शटर, हाउ आर यू? अजब इत्तेफाक, मुलाकात हुई भी तो कहाँ, प्यारे कर्नल के मकान में। जी हाँ, अजब इत्तेफाक है। बड़ा अच्छा हुआ आप मिल गई, वरना प्यारे कर्नल के बगैर इस घर में तो मेरा जी नहीं लगता। जी हाँ, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, सुबह बात करूंगी। ओहो लल्ली ए टांगे वाले, ये लो तुम अपना किराया है, और तुम्हें टांगा जल्दी ले आना, कर्नल के बच्चे के आने से पहले। सलाम हजूर। सलाम। ए माले इधर, चलो सामान उठाओ, चलो चलो सामान उठाओ। यो तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम और नहीं देखा। तुम क्या समझे नहीं है?
तुम्हारे बेटे शंकर को तुम्हारे पास भेज रही हूँ। वो तुम्हारे पास तुम्हें पिता समझकर नहीं बल्कि नौकरी का इश्तहार देखकर आ रहा है। रहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमला की चिट्ठी साबित कर देगी कि मैं ही गोपाल का बेटा हूं। हमारी कामयाबी अगर कोई रोक सकता है तो कमला। इसलिए मेरा खत देखते ही फौरन कमला के घर जाकर उसका हमेशा के लिए आपका सोहन। अभी मजा चकाता हूं। डरों गया कहीं के? बाज नहीं आओगे तुम अपनी हरकतों से? यही मुझे तुमसे कहना है। क्या समझ आया मुझे? और तुमने क्या समझ लिया मुझे? खाल खिंचवा दूंगी तुम्हारी। उल्टा टांग दूंगा दरख्त से मैम साहब। आप मेरा गुस्सा नहीं समझती। कहे वो कपड़े? अरे वाह, खुद मेरे कपड़े चुरा के रखा है और झूठा अल्जाम मुझे कब देता? मैं क्या करूंगा तुम्हारे कपड़ों से? मैं क्या करूंगी तुम्हारे कपड़ों? मुझे क्या मालूम? मुझे क्या मालूम? नहीं बताओगी? नहीं बताओगे? My foot. हम पूछता है बिना ऑर्डर तुम हमारा बंगला क्यों खोला? My foot. हम सब दोस्तों को गोली मार चुका है। कहां है वो दोस्त का बच्चा? मेरा नाम नहीं। शराब यू सन ऑफ अ गन। हम तुम्हारा बुर्का से निकाल देगा। लेकिन जनरल साहब ठहरिए, मेरी बात तो सुनिए। My foot. मेरी बंदूक गर्म हो चुकी है। मैं बिल्कुल ठंडा हो चुका हूँ। बकवास बंद करो, अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो। My foot. ये कौन है? निकलो बाहर, निकलो बाहर नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी निकलो। कर्नल साहब, My foot. ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे बंगले में एक औरत और एक मर्द, और वो भी आधे नंगे। ये बेशर्मी, ये भी है। My foot. जवाब दीजिए कौन है, नहीं तो मैं दोनों को गोली मार दूंगा। जी, ये मुझे नहीं मालूम। क्या जी? ये मेरी बीवी। क्यों जी? जी बीवी। ओ, यानी कि वाइफ। जी हाँ, यानी कि लाइफ पार्टनर। माय फुट। लेकिन तुम दोनों की ये हालत क्यों हुई? जी बात दरअसल ये कि कल रात को हमारे कपड़े चोरी हो गए थे। चोरी? मैं सबको गोली मार दूंगा। माली, चोर का पता लगाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। देखो, तुम दोनों मेरे कमरे में जाओ, वहां कबाड़ में से कुछ कपड़े निकाल के पहन लो। जाओ जल्दी जाओ। शुक्रिया जी। कम ऑन डार्लिंग, थैंक यू सो मच।
कर्नल साहब हम अभी आए। चलो डाली। बदमाश मौके से फायदा उठाते हैं। पतिदेव की शान में ये शब्द। पति? अरे तुम मेरे जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं हो। ये आपने ठीक कहा, पॉलिश मुझे आती ही नहीं। कम ऑन तुम दोनों में बहुत प्रेम मालूम होता है। जी बस यही समझ लीजिए कि जिस्म दो है पर जान एक है। What nonsense? जी ये मोहब्बत की बात है कर्नल साहब, बात दरअसल ये है कि हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। माई फुट? जी माई फुट नहीं, लव मैरिज। ओके अब ये बोलो तुम दोनों को क्या मांगता है। जी सबसे पहले तो हमारे कपड़ों का सवाल है। अरे ये क्या बदतमीजी है, क्या समझ लिया है मुझे, कोई चोर चुक्का नहीं, आखिर मैं भी खानदानी आदमी हूँ। हेलो कर्नल साहब, हेलो जेंटलमैन एंड हेलो स्वीट लेडी। कर्नल साहब ये वही चोर है जिसने कपड़े चुराए थे। व्हाट? कर्नल साहब इसे गोली मारने की जरूरत नहीं, इसे हम पुलिस में दे देंगे। इसको अस्पताल में बंद कर दो, हम फार्म से वापस आके इसका फैसला करेंगे। बहुत अच्छा। अरे मुझे तू जा। आप जा रहे हैं कर्नल साहब? ओह यस, तुम दोनों को कल तक सवारी मिल जाएगा। बाय 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 बाय। सलाम साहब। भाई फुट चलो। जवाब ने तुम्हारा कर्नल क्यों डार्लिंग? डार्लिंग का बच्चा। डार्लिंग का बच्चा माय फुट। क्या है? एक बाबू आए हैं सरकार, ये खत आपको देने को बोला। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके पिता हो तो वो पल भर भी तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा, इसलिए जब तक मैं ना आ जाऊं इस बात को राज रखना। मेरा बेटा, मेरा शंकर। लेकिन उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका बाप हूं। आप भी तशरीफ रखिए। ये चिट्ठी तुम ही लाए हो ना? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम शंकर। शंकर? देखो बेटा, जिन साहब की तुम ये सिफारसी चिट्ठी लाए हो ना, उनकी मुझ पर बहुत एहसान है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। तो मैं ये नौकरी पक्की समझ? बिल्कुल, अगर तुम काम ठीक से करोगे तो मैं तुमसे मालिक का बर्ताव नहीं वो प्यार करूंगा जो कि एक बाप अपने बेटे से करता है। बाप का प्यार? क्या बात है, मैंने ना कभी बाप का प्यार देखा है और ना देखने की तमन्ना है। खैर छोड़िए इस बात को, ये बतलाइए मुझे करना क्या होगा। हाँ देखो बेटा, यहां से कोई 10 मील दूर मेरे गांव है और बहुत बड़ा जानवरों का तबेला, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ देखभाल है। अच्छा तो तुम नहा धो के कुछ खा पी लो और फिर मेरे साथ चलना। बनवारी? ओ बनवारी, मेरे कपड़े तो मिल गए लेकिन जो सिफारशी खत तुमने मुझे दिया था वो न जाने कहां गुम हो गया, इसलिए तुम जल्द से जल्द एक और खत डिप्टी साहब से लिखवा कर मेरे पास भिजवा दो, तभी मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। तुम्हारा शंकर। ला 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 ला। भैया ये चिट्ठी जल्दी से जाके पोस्ट कर दो। अच्छा साहब। और जब तक इसका जवाब ना आए हमें यहीं रहना पड़ेगा।
इसका जवाब आए या ना आए, कर्नल साहब की सवारी आते ही मैं यहाँ से चल दूंगी। हाँ पति देव को यहीं छोड़कर, याद रखो नर्क की आग में जलोगी। हाँ लफंगेपन की भी हद होती है, मैंने किसी से इतनी नफरत नहीं की जितनी कि तुमसे। कसम से एक बड़े फिलोसफर का कहना है कि नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। फिलोसफर नहीं, भंगी होगा तुम्हारी तरह। क्या बात है, लंबे भंगी की मैं। अरे भाई मेरा कहना है तुम्हारी मैडम तो बिल्कुल पटाखा मालूम होती है, खातिर में नहीं लाती तुम्हें। देख लो प्यारे क्या जमाना। अरे गोली मार जमाने को, वो मर्द ही क्या है जो बीवी को नीचा ना दिखाए। बीवी हो जब ना। बीवी नहीं तो एक तरकीब बताओ। बताओ। पहले जरा दरवाजा तो खोल दे। जी नहीं, आप जहाँ हैं बिल्कुल ठीक हैं। आप बड़े फंटूश हैं जी, जैसे कि हम भाग जाएंगे। प्यारे हम भी तो खानदानी हैं। जी हाँ, वो तो आपकी सूरत से जहर है। हम आप पेट से। साहब कर्नल साहब ने आपके लिए सवारी भेजी है। मुझे भी तो साथ ले चलो। शट अप। वेरी गुड, लेकिन अभी हम जाने को तैयार नहीं। मैं तैयार हूँ। शाबाश। खबरदार कोचवान जो मेरी बीवी को बगैर इजाजत ले गए। सरकार मैं तो गाड़ी ले जा रहा हूँ, बीवी को रोकना आपका काम है। ए सुनो, ए, ए, ए। वो चले झटक के दामन मेरे दस्ते नातवा से, वो चले। शिलांग पुलिस ऑफिस को यहाँ के मशहूर प्लांटर सरदार राजपाल के बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए। आप जल्द से जल्द सारी इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। बहुत अच्छा। शंकर बाबू, बहुत शंकर बाबू। क्या है, जल्दी चलिए, मालिक बहुत खफा है। आओ मेरे साथ। क्या हुआ बाबूजी? ये गाय मैंने 1000 रुपये में खरीदी थी, रात इसे जहर की पत्ती खिलाई गई है। किसने खिलाई? सिवाय भोला की और कौन हो सकता है। भोला कौन है? अभी पता चल जाएगा। चलो सरकार ये क्या कर रहे हैं, वो हजारों हैं, हम गिनती के कमीने। तुम जैसे नमक हरामों की बुजदिली का नतीजा है जो भोला शेर हो गया है। चलो की तरह मुंह न छिपाओ भोला, हिम्मत हो तो सामने आओ, मैं तुमसे दो दो बातें करने आया हूं। मैं जानता था तुम बुजदिल हो, तुम कभी सामने नहीं आओगे। भोला भोला रुक जा भोला, वो तुझे गोली मार देगा, वो तेरा लहू बहा देगा। हट जा सीमा, शत्रु ने मुझे कायर कहा है, आज मुझे देखना कायर कौन है। मैं हूं भोला, अगर तुम्हारे पके हुए बालों का ख्याल ना होता तो तुम्हें मुकाबले को ललकारता, परंतु कह दो अपने टुकड़ों पर पलने वाले इन कुत्तों से कि अपनी दुनाली फेंक कर आए सामने और फिर देखें भोला की दिलेरी। तुम्हारी दिलेरी के 1000 नमूने देख चुका हूं, रात के अंधेरे में हमले करना कहां की दिलेरी है। बात तो जब है दिन दहाड़े आओ, खबर करके आओ। हरी आकांक्षा भी एक दिन पूरी होगी सरदार राजपाल, वो दिन दूर नहीं जब हमारे हाथों में भी ये दुलाली होगी, और तब रात के अंधेरे में नहीं दिन दहाड़े आऊंगा और नकारा बजा के आऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का, लेकिन जब तक के लिए कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी मेरी जमीन पर कदम रखेगा तो उसकी जान की खैर नहीं। तुम्हारी जमीन इसलिए कि तुमने सरकार को चांदी के टुकड़े देकर अपने नाम परवाना लिखवा लिया, ऐसे 1000 परवाने वो जमीन तुम्हारी नहीं कर सकते सरदार, वो जमीन हमारी है, हमने उसे अपने खून से सींचा है। जाओ जाके उसके मट्टी सूंघो, उसमें तुम्हें तुम्हारी लहू की बू आएगी।
मीना बाबूजी मीना अरे पगली, आपकी ना आने की खबर की और न सवारी ही मंगवाई। बस ना पूछिए बाबूजी कितनी गड़बड़ में आना हुआ। आपको मालूम है रास्ते में एक लफंगा मिल गया था। लफंगा? कह रहा था मैं घाट पर आऊंगा। आने दे बदमाश को, जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी भी यही तमन्ना है बाबूजी। आपको सारी बातें सुनाऊं तो आपको हैरत हो जाएगी। और अगर मैं कुछ सुनाऊं तो तुझे उससे ज्यादा हैरत हो जाएगी। क्या? बाबूजी मैंने कहा था ना तुझे। लेकिन बाबूजी वो है कहाँ? अपनी फार्म वाली कोटेज रहने को दी है उसे। मीना तुम अंदाजा नहीं कर सकती मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश। लेकिन बाबूजी इस बात को आप कब तक छुपाएंगे कि आपके पिता नहीं है? हमें हर तरह से छुपाना है वरना वो फौरन चला जाएगा। वो मुझे पिता समझे या न समझे मगर मेरे लिए यही क्या कम है कि मेरा बेटा मेरे पास है। बस अब तो मेरी एक ही आरजू है। मैंने जिस दिन के लिए तुझे पाला था वो दिन आ गया है मीना। मैं तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूँ, अपने शंकर की दुल्हन। पगली शर्मा गई। था कि क्या टाइम होगा? 12 बज रहे हैं। 12? अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। इजाजत। अच्छा बाय। बाय। यही है सरदार राजपाल का बंगला। तुम इसे जानते हो? हुजूर उसे बहुत कम लोगों ने देखा है।
लेकिन सुना है बड़ा जालिम इंसान है। मारा जहाँ भी जाओ कमबख्त जालिम मिलता है, कहीं वालिम नहीं मिलता। अरे देखो जॉनी, तुम सामान उतारो, मैं देखता हूँ। हेलो मिस शट अप। भाई मान गए दुनिया गोल है, जहाँ जाओ बस आप ही का सामना होता। नौकरी की तलाश में आई है? ठहर जाओ, अभी मजा चखाती हूँ। बाबूजी, बाबूजी। मैंने कहा उस्ताद मौका अच्छा है, भाग चलो। जो लड़की इतनी जालिम है उसका बाप जरूर चंगेज खान होगा। अच्छा, ओ माय फादर। कौन हो तुम? हम सरदार राजपाल से मिलने आए। मैं हूँ वो, क्या काम है? आप हैं? हम दोनों आपका इश्तेहार देखकर नौकरी के लिए आए, मेरा दोस्त जॉनी और मैं, और आपके दोस्त डिप्टी साहब ने ये चिट्ठी इसी सिलसिले में दी। जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? कमला देवी। और तुम्हारा? शंकर। तुम्हारे पिता का? देखिए अगर आपको मुझे नौकरी देना तो मेरी काबिलियत का इम्तिहान लीजिए, मेरे साथ पुश्तों का नाम पूछने की जरूरत नहीं। हाँ साहब, इसकी क्या जरूरत है, मैं भी अपने बाप का नाम नहीं बताऊंगा। बाबूजी, यही है वो बदमाश बाबूजी जिसने मुझे तंग किया था। बाबूजी, वही बातें वही कमला की लिखाई, जरूर इन दोनों शंकरों में से एक बैरू किया है। यही है बाबूजी, यही है वो बहनिया। लेकिन वो कमला हट लेकर आया है। बाबूजी, दोनों तो आपके बेटे नहीं हो सकते ना। उनमें से एक मेरे दुश्मन विष्णु का भेजा हुआ है, हमें उसका पता लगाना है। कैसे? मैं कमला को हट लेकर शंकर की तस्वीर मंगवाऊंगा, और जब तक मुझे इन दोनों को यहाँ रोक कर रखना है। आओ जल्दी। अरे सुनो तो भाई, ये क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल में आपको मेरी जरूरत नहीं। एक्टिंग कर रहा है। सुनो तो बेटा, मुझे बेटा बेटा मत कहिए, सिवाय मेरी माँ के मुझे कोई बेटा नहीं कह सकता। दिखा रहा है मुझे बाप से नफरत है। हाँ तो देखो शंकर, अगर तुम इस तरह चले गए तो मेरे दोस्त पिपी साहब मुझसे खफा हो जाएंगे। मुझे दो आदमियों की जरूरत थी, एक तो मैं रख चुका हूँ और दूसरे तुम हो। और तीसरा मैं। तुम जा सकते हो। क्या शंकर भैया, ये पहला आदमी आपने कौन रखा? वो भी शहर का आदमी, इत्तेफाक से उसका नाम भी शंकर। बहुत अच्छे, फिर तो आपको इश्तेहार कुछ ऐसा देना चाहिए था जो जरूरत है शंकरों की। हाँ तो शंकर, तुम अपना सामान लेके अंदर आओ, मैं तुम्हारे काम के बारे में बाद में बताऊंगा। बहुत अच्छा, आओ बिटिया। सामान उतारो। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं, खानदानी आदमी हूँ। क्या कहा? तो ठीक कहा, तुमको तो नौकरी मिल गया, हमको क्या मिलेगा? अरे जानी, तुम्हारे में कोई दो है? जब तक तुम असली शंकर की तस्वीर नहीं भेजती, मैं दुश्मन का पता नहीं लगा सकता। जल्द से जल्द शंकर की तस्वीर रवाना कर दो। ये चिट्ठी शंकर के नाम है, मैंने यात्रा जाने की खबर उसे कर दी है। इसे फौरन डाक में डलवा देना, वरना वो परेशान होगा। तुम फिक्र न करो, मैं फौरन डलवा दूंगा। लाना तो आती है ना तुम दोनों को? शाबाश। और तुम? बहुत अच्छे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो गजब के निशानेबाज मालूम होते हो। जी गिनती तो नहीं की, लेकिन अब तक सैकड़ों मेरी गोली का निशाना बन चुके हैं। क्या मतलब? मतलब यही है कि मैं मिलिट्री में रह चुका हूँ। चलो जाने। सूप बनाऊंगा। चलो मीना। चलिए दादी।
क्या बात है बाबूजी? क्या कमला देवी का यही मकान है? हाँ, पर वो आज ही यात्रा को चली गई। यात्रा को कहाँ? ये कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा था यात्रा में 2-3 महीने लगेंगे, फिर घाटपुर आसाम जाएगी। 2-3 महीने? जी क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कालिदास, ओ कालिदास, क्या तू बात कर, बोल बोल कुछ। गूंगा बाबूजी। चलिए बाबूजी, नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ बेटी। आपको क्या हो गया है? जब से ये दोनों आए हैं न खाने का होश न पीने का, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तुझे मेरे दुख का अंदाजा नहीं बेटी, जरा सोच। 20 साल के बाद मेरा बेटा आया, लेकिन ना तो उसे मैं पहचान सकता और ना सीने से लगा सकता। कितना बदनसीब हूं मैं। दुखी ना होइए बाबूजी, आखिर एक ना एक दिन तो ये राज खुल ही जाएगा। अच्छा छोड़ो। हाँ, आज तुम्हारी सहेलियां आने वाली थी ना? जी हाँ, वो थोड़ी देर के लिए आएंगी और फिर मोटर से दार्जिलिंग चली जाएंगी। अच्छा हाँ, उनके खाने का इंतजाम हो गया? अच्छा चलो नाश्ता कर लो। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। है जज्बाए दिल गर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। तीसरा शेर सुनिए, फरमाइए। ये सितारों की महफिल। गुस्ताख माफ, बड़ा ही गलत शेर पढ़ रही हैं आप। ये सितारों की महफिल नहीं, ये तारों की महफिल है। कौन है ये बकरी? जरा ठहर, कौन साहब हैं आप? जरा इधर आइए। आदाब, बंदे को वीरूमल आर्य प्रेमी लाहौर वाले कहते हैं। पैदाशी शायर हूँ, पास वाली बस्ती में रहता हूँ, इधर से गुजर रहा था, आपको गलत शेर पढ़ते सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल उठा। बहुत ही मगरूर इंसान मालूम पड़ता है। तुम जरा ठहरो, मैं इनके यहाँ का मजा अभी चखाती हूँ। जी इजाजत है? जरा ठहरिए। मिस्टर प्रेमी, मालूम होता है आपको अपने शायरी पे बहुत नाज है। जी है तो सही। मुकाबला कीजिएगा। कैसा मुकाबला? यही, बोल के बदले बोल। मगर मैं रोमांटिक शायरी करता हूँ। जी मैं भी रोमांटिक शायरी करती हूँ। बेहतर है, लेकिन मेरी शायरी को जरा साज की जरूरत है, और अगर नजरों के सामने ये हसीन चेहरे नाचते हो तो समझिए मेरी शायरी कयामत कर देती है। बहुत बेहतर है, साज भी होगा और नाच भी। शुरू कीजिए। जी नहीं, पहला बार आप कीजिए। अच्छा, कम ऑन गर्ल्स। Thank you.
से मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है के रात है। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हो दूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है के रात है। रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं, अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। ओ, तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हो दूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है के रात है। ओ, तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। जवाब नहीं प्रेमी साहब, पॉइंट पॉइंट है, थैंक यू प्रेमी साहब, वाकई आपने तो कमाल कर दिया। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है। अनावर्धन कौन है ये? है एक बदतमीज, आओ चले। जब तुम्हारा खत मिला तो कमला यात्रा को जा चुकी थी, मेरे ख्याल में पाथा हमारे खिलाफ पड़ चुका है, इसलिए मेरा खत देखते ही फौरन चले आओ। गणेश मेरे दोस्त, अगर तुम एक मेरा काम करो तो मैं तुम्हें दौलत से मालामाल कर दूं। हुक्म कीजिए। कुछ दिनों बाद कमला नाम की एक औरत शहर से आने वाली है, उसे सरदार राजपाल से मिलने से रोकना है। कौन सी बड़ी बात है, आज ही से दो आदमी स्टेशन पर पहरे पर लगा देता हूँ, इधर ही आई और उधर उसका खात्मा। तुम बड़े काम के आदमी, ये लो और देखो, आज से पोस्ट ऑफिस हर रोज जाया करो, शंकर के नाम की हर चिट्ठी मुझे मिलनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बाबूजी? मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? जी हाँ, मेरी माताजी की चिट्ठी आई है, वो यात्रा को अकेले ही चली गई, मैं बहुत परेशान हूँ, उन्हें जाकर लाना चाहता हूँ। देखो तो चिट्ठी, ये देखिए।
जब यात्रा के बाद वो यहाँ आ रही है तो फिर जाने की जरूरत है? फिर भी बाबूजी मैं अच्छा मैं तुमसे फिर बात करूंगा। हाँ बहुत अच्छा। ये तो मेरी मां की चिट्ठी है, मैं अपनी मां की लिखाई पहचानता हूं। वो चिट्ठी दीजिए। क्यों? ये आपकी चिट्ठी नहीं, मेरी है। मैं अपनी मां की लिखाई पहचानता हूं। तो आपका क्या मतलब? मैं अपनी मां की लिखाई नहीं पहचानता। चिट्ठी दीजिए। जी नहीं। पागल आदमी, मेरी मां की चिट्ठी को अपनी चिट्ठी कह रहे हैं। आखिर इसमें चाल क्या है? चाल क्या ऐसी की तैसी? कान खोलकर सुन लो मिस्टर, ये तुम्हारी पहली गलती जो मैं माफ कर रहा हूं। आइंदा अगर तुमने मेरी मां की चिट्ठी पर हाथ डाला तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा, समझे? जी हाँ, हाथ तोड़ कर रख दूंगा। हाथ ना हुआ मूली हुई। एक लम्हे के लिए मुझे विश्वास हो गया था कि यही मेरा बेटा है, लेकिन लेकिन ये चिट्ठी, दोनों ही इसके लिए मरने को तैयार है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। एक काम कीजिए, हमें उन दोनों की कॉटेज की तलाशी लेनी चाहिए, वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। शंकर, अच्छे वक्त पर आ गए तुम। ये लड़की घास चुराकर भाग रही थी, मैंने टोका तो खुरपी से हमला कर दिया। ये लड़की, अब लड़ना फजूल है, तुम्हें चोरी की सजा मिलेगी। कल सुबह तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस? मेरे यार, पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत है? इस जुर्म की सजा हम खुद दे सकते हैं। जरा उठो तो। ले लेना।
मुफैर। अरे फैर, ये पकड़, भाग जा। अरे भाग। शंकर, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसे रोकने की कोशिश ना करना, समझे? भाग जा लड़की, मुझे रोकना इतना आसान नहीं। भाग जा सामने। ए लड़की रुक जा वरना गोली मार दूंगा। जाने दे लड़की को, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। भाग जा लड़की, अब ये फंटूस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर इसका क्या मतलब है? उसने चोरी की थी। चोरी की सजा उसे मिल चुकी। शंकर, तुम दुश्मनों का साथ दे रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शंकर धमकियों से नहीं डरता। इसका फैसला कल सुबह हो जाएगा। मानते हो ना? बरखुदा शहजादी, नहीं जानते कि इस बंदूक में कारतूस नहीं। हैरत तो यह है कि मेरे हमनाम शंकर ने न सिर्फ सीमा की चोरी करने में मदद की, बल्कि जब मैंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने बंदूक मेरे सीने पर रख दी। तुम फिक्र न करो, हम अभी चलकर उससे पूछते हैं। आओ मीना। जवाब दो, इसलिए कल तुमने इनसे झगड़ा करके उस जंगली लड़की को आजाद करवाया? इसलिए कि उसे जरूरत से ज्यादा सजा मिल चुकी थी। किसने दी सजा? मेरे हमनाम दोस्त मिस्टर शंकर ने। क्या कह दूं? हाँ हाँ कह दो, तुम कह ही कह सकते हो। सिर्फ इतना मेरे दोस्त कि अब तक सिर्फ नहीं था कि हवस इंसान को हैवान बना देती है, कल रात आंखों से भी देख लिए। अगर कानून को हाथ मिलना जुर्म ना होता तो कल रात मैं आपकी जवानी का नशा ऐसा उतारता कि जिंदगी भर याद रखते। वैसे आपने कसर भी नहीं उठा रखी थी जब आप इंसान से हैवान बन चुके थे और मैंने आपकी महबूबा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो आपने बंदूक तो मेरे सीने पर रखी दी थी। बहुत अच्छे सुना जाने। भाई इतना बेवकूफ नहीं जितना सूरत से दिखाई देता। बिल्कुल। सरदार साहब, अगर आपको सच्चाई का सबूत चाहिए तो मैं उस जंगली लड़की को आपके पास ला सकता हूँ। सच और झूठ जानने के मेरे पास और भी तरीके हैं। चलो मीना। और मजे की बात तो यह, सीमा के भाई ने सारा इल्जाम मुझ पर ही धर दिया। अब तुम्हें मेरे साथ सरदार राजपाल के पास चलना और मेरी सच्चाई का सबूत देना। मैं वहाँ नहीं जा सकती, भोला मुझे नहीं जाने देगा। चलो मैं भोला के पास चलता हूँ। ऐसी भूल कभी ना करना, तुमने हमारी धरती पर पांव रखा और हमारे साथी तुम्हें मार डालेंगे। क्यों? तुम सरदार राजपाल के आदमी हो। शंकर, शंकर, तुम्हारी मेम साहब आ रही है। मेम साहब? महिला, एक काम करेगी? क्या? मुझसे प्यार करेगी? हाँ, थोड़ी सी देर के लिए, नकली प्यार किसी को जलाने के लिए। That's the spirit, come on woman. गई महिला? आ गई। क्या कर रही है? देख रही है। चल रही है? चल रही है। मर रही है? मर रही है। अब क्या कर रही है? अब छुप कर देख रही है। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। सूरज से किरण, बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। वो छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। सूरज से किरण, बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। छुपने वाले सामने आ। आखिर तेरे नाज की ये हार नहीं तो और है क्या। दौड़ के आना पा
पास मेरे प्यार नहीं तो और है क्या, दूर खड़ी हैरान है क्या, दांत में यूं उंगली न दबा, दूर खड़ी हैरान है क्या, दांत में यूं उंगली न दबा, छुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुपने वाले सामने आ। लिपटी है दिल से मेरे जुल्फ तेरी पलखाई हुई, देख रहा हूँ तेरी नजर अपनी नजर तक आई हुई, गालों पर जुल्फे न गिरा तू है कयामत मैं हूँ बला, गालों पर जुल्फे न गिरा तू है कयामत मैं हूँ बला, छुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता, ओ छुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुपने वाले सामने आ। बाबूजी क्या है बेटी? बाबूजी ये आपकी कमला माँ को लिखी हुई चिट्ठी वापस आ गई, शायद वो यात्रा को जा चुकी है। तो इसका मतलब है जब तक वो यहाँ न जाए मैं पता नहीं लगा सकता कि मेरा बेटा कौन है। मैं जानती हूँ कौन है, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं। हो सकता है तुम्हारा ख्याल सही हो, लेकिन मुझे सबूत चाहिए, सबूत। एक बार मुझे सबूत मिल जाए फिर देखना मैं उस बहरूपिये का क्या अंजाम करता हूँ। सारी बेरुखी, सारी नफरत के बावजूद मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत थी, लेकिन अब नहीं। किस लिए समय आकर तलाशी ली है तूने? क्या समझा तूने मुझे चोर डाकू? ये तो तुम खूब समझते। बस तुम्हारी जगह कोई मर्द होता उसके साथ वो सलूक करता कि सारी जिंदगी याद रखता। इसलिए आई थी ना तू? ले जाओ इसे, ना तो मेरी तस्वीर है ना इस इंसान को मैंने कभी देखा। अगर ये तुम्हारी तस्वीर नहीं तो तुम्हारे सूटकेस में कैसे आई? मुझे क्या पता कैसे आई, और अगर आ भी गई तो कहां का पाप हो गया? इतनी अकल तो शायद आपको भी होगी। अगर मुझे आपके यहाँ चोरी करना तो कोई कीमती चीज चुराऊंगा, ये सड़ी हुई तस्वीर नहीं। और अपने बाबूजी से जाके कह दो कि मैं उस नौकरी को लात मारता हूँ जहाँ मुझे चोर समझा जाए। मुझे अपनी माँ का इंतजार है, उसके आते में यहाँ से चला जाऊंगा। अगर अपनी बेटी का जीवन चाहते हो तो कल सूरज निकलने से ही पहले सरदार बोला के पास या तो 10,000 रुपए पहुंच जाए, या फिर वो मनुष्य जिसका नाम शंकर है, जिसने सरदार बोला की मंगेतर सीमा का अपमान किया है, अगर दोनों बातों में से कोई भी स्वीकार नहीं की तो अपनी बेटी का मुर्दा शरीर भी देखना पाओगे।
निकल जाए यहां से कमीने, और कहने जाके भोला से कल सुबह तक सारी बस्ती जलाकर राख न कर दी तो मेरा नाम राजपाल नहीं, एक मीना का बदला सैकड़ों हजारों जानों से होगा। सरदार भोला ने यह कहा है, इधर तुमने दावा बोला और उधर तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। कमीने बाबूजी, ये न समझो शंकर कि मुझे मीना के जीवन से पैसा ज्यादा प्यारा है। 10,000 मेरे लिए कोई चीज नहीं, लेकिन मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। बाबूजी, आपको रुपया देने की जरूरत नहीं, भोला मुझसे बदला लेना चाहता है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। नहीं शंकर, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपने मालिक की बेटी का जीवन बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इनकार नहीं। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। और कोई रास्ता भी तो नहीं बाबूजी? रास्ता हम निकालेंगे, आओ मेरे साथ। लेकिन भोला ने ऐसा किया क्यों? वो चाहता क्या? आज उसका आदमी पैगाम लेकर आया है कि कल सुबह तक मैंने उसे 10,000 रुपये न दिए या फिर सीमा का अपमान करने वाले शंकर को उसके हवाले न किया तो मीना न लौट सकेगी। फिर क्या सोचा है आपने, रुपया देंगे या सीमा का अपमान करने वाले शंकर को? ना रुपये और ना शंकर, हम लोग मीना को लेने जा रहे हैं, चाहे लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। चलो भोला को हमारे आने की खबर दी जा रही है सरकार। आगे बढ़ो। नहीं बाबूजी, आगे बढ़ना मीना को बहुत मुंह में धकेलना है, हमने अपनी गोलियों से 150 को निशाना बना भी लिया तो क्या, मीना तक हम पहुंचने भी ना पाएंगे। बाबूजी, अकलमंदी इसी में है कि इस वक्त हम हार मान लें। आपके 10,000 की एक एक पाई मैं भोला से वसूल करके दूंगा। गणेश, कह दो उनसे कि हम 10,000 रुपये की रकम देने के लिए तैयार। ठहरो, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मीना को मैं लेकर आऊंगा। शंकर, कहां जा रहे हो शंकर? वो तुम्हें बरसियों से ठेट डालेंगे। शंकर, शंकर, शंकर रुक जाओ, कहां जा रहे हो मौत के मुंह में? शंकर, भोला से मिलने आया हूं। कहां है तुम्हारा सरदार भोला? कहो क्या कहना है? भोला तुम्हारे सामने है। मैं सरदार राजपाल की बेटी मीना को लेने आया हूं। पैसा लाए हो? नहीं। नाम? शंकर। शंकर, भोला, क्या कर रहा है भोला? फेंक दे कुल्हाड़ी। हटा सामने से, मैं इसके टुकड़ा कर दूंगा। लेकिन ये वो नहीं जो तू समझ रहा है, वो दूसरा शंकर है, इसने ही तो मुझे उस रात बचाया था, ये तो हमारा साथी है। साथी? हाँ। मुझे विश्वास है इसकी दोस्ती पर। हाँ। मुझे क्षमा करो, आज से हम साथी हैं, तो फिर मैं मीना को ले जा सकता हूँ? नहीं, सरदार राजपाल के आदमी ने मेरी मंगेतर का मान किया है, जब तक मैं उसका बदला ना ले लूं मीना कहीं नहीं जा सकती। वाह, एहसान अदा करने की यही रीत है तुम्हारे यहाँ? मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी मंगेतर की इज्जत बचाई, क्या इसका यही बदला कि तुम मेरी मंगेतर को गिरफ्तार कर लो?
तुम्हारी मंगेतर? ऑफ कोर्स, वो सरदार राजपाल की बेटी सही, लेकिन वो मेरी मंगेतर है, मेरी होने वाली पत्नी। तो तुम मीना के होने वाले पतिदेव हो? बिल्कुल पतिदेव। तू शंकर के मंगेतर को कैद नहीं कर सकता भोला, वो हमारा साथी है। साथी, मैं सीमा की बात कभी नहीं टालता, तुम अपनी मंगेतर को ले जा सकते हो। सीमा ये है तुम्हारी मंगेतर। अच्छा तो बोला, अब हम जाते हैं। अभी नहीं। नहीं? आज रात हमारी लगन की रात है, रसम से पहले किसी भी मित्र का लौट जाना बुरा शगुन है। अब तुम अपनी प्रियतमा को लगन के बाद ही ले जा सकते हो। लगन के बाद? और वो भी अपनी गोद में उठाकर। गोद में? जाने क्या है? मैं काम करूं, सरदार राजपाल के पास जाओ और उसे कहना कि हम लगन के बाद आएंगे। ओके शंकर। अगर आज तुम ना होती तो बचना मुश्किल हो गया होता। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं समय से ना पहुंचती तो? तो भोला मार डालता। मार डालता? ये ना सोचा मीना का क्या हाल होता। मेरी मौत पर उसकी आंख से आंसू भी नहीं निकलता। क्या कह रहे हो साथी? सीमा, मैंने तुझे बहन बनाया, मैं तुझे झूठ नहीं बोल सकता। मीना ना तो मेरी मंगेतर है और ना मेरी होने वाली पत्नी, और सच तो ये है कि वो मुझे चोर और डाकू समझती है। डाकू? वो मेरी तलाशी लेने आई थी और तो उसे कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक तस्वीर मिली जो ना जाने किस इंसान की है और किस तरह मेरे संदूक में पहुंची। और फिर? और फिर जो बंधन मेरे दिल ने बांधे थे वो हमेशा के लिए टूट गए। खैर, छोड़ इन बातों को। सीमा, तुम्हारी लगन पर तुम्हारे भाई की तरफ से तोहफा। गुड लक। अरे अरे, ये क्या कर रही है? भोला ने कहा था रास्ते में गोद से न उतारना, वरना देवता खफा हो जाएंगे। कम से कम साथ तो चलिए, नहीं तो वो जंगली फिर मुझे पकड़ ले जाएंगे। ले जाएं, मैं फिर लेने नहीं आऊंगा। कसम से। बहुत नाराज है। अगर आपके बाबूजी का ख्याल ना होता तो जिंदगी भर आपको लेने नहीं आता। कसम से। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। वाह, मुझे नीचा दिखाने की नई चाल सोच रही हैं आप। हाय रे बदगुमानी, घाट घाट का पानी पिया है मेम साहब, भोली सूरतें मुझे धोखा नहीं देती। कसम से। हाँ। हाथ लाइए। नहीं। फिर मैं नहीं आती। तुम मत आइए। मुझे यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। हाँ। ऐसे पागल नहीं, उन्हें ताजा गोश्त मिलता है। मीना, आंखें खोल दो। मीना, सांप से कान काटे।
मीना, मीना, मैं बिल्कुल तुम्हारा हूँ मीना, मैं बिल्कुल तुम्हारा हूँ मीना, भगवान के लिए आंखें खोल दो मीना। मीना, मेरी मीना, आंखें खोलो मीना, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। कसम से लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे, लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाय डैडी जी, हाँ आपके पिताजी कहाँ हैं? आपके कॉटेज में आपकी राह देख रहे हैं, जल्दी चलिए। आखिर तुम कब तक ये खतरनाक खेल खेलते रहोगे? एक न एक दिन गोपाल को पता चल ही जाएगा, और फिर नहीं नहीं सोहन, मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अभी वक्त है, मैं पुलिस को खबर कर सकता हूँ, और मेरे भाई का कातिल फांसी के तख्ते पर होगा। जो आप चाहते हैं वही होगा। तो चलो, मैं मोटर लेकर आया हूं। अभी नहीं, मुझे दो दिन की मोहलत और दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। क्या होगा? वही जो आप चाहते, सरदार राजपाल फांसी के तख्ते पर होगा। बाबूजी। नीना। बाबूजी। बेटी, शाबाश बेटे, शाबाश।
तुम्हारी आज की बहादुरी में हमेशा याद रखूंगा। बोलो क्या इनाम चाहिए? मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं सरदार साहब, मुझे मेरा इनाम मिल गया। मीना, मुझे ऐसा लगता है यही मेरा शंकर, यही मेरा बेटा है। क्यों, तेरा क्या ख्याल है? वही जो आपका। पहले मुझे जरूर शक था, लेकिन अब मुझे यकीन है यही आपके बेटे हैं। जानती हो मीना, जब कभी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे इस पर प्यार सा होने लगता है। मैं चाहता हूँ यही मेरा बेटा हो। भगवान ने चाहा तो यही होगा, यही होगा बाबूजी। अरे तू रो रही है? बाबूजी, तेरे आंसू तेरे दिल की बात कर रहे हैं मीना। तू इसे चाहने लगी? लेकिन ये अच्छा नहीं कर रही है बेटी। कौन जाने ये मेरा बेटा ना हो। नहीं बाबूजी, नहीं, यही आपके बेटे हैं, मुझे पूरा पूरा यकीन है। तेरे यकीन से मैं अपने फैसले नहीं कर सकता। याद रख मीना, अगर ये मेरा बेटा नहीं तो मैं तेरी चाहत का भी ख्याल नहीं करूंगा। अपने दुश्मन के साथ मैं तेरी चाहत का भी गला घोंट दूंगा। सीआईडी रिपोर्ट से पता चलता है कि मिस्टर राजपाल 20 साल पहले शिलांग से आए थे और यहाँ अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ रहते हैं। वो किसी से मिलते जुलते नहीं है। ऐसा लगता है वो लोगों से अपनी पिछली जिंदगी का कोई ऐसा राज छुपा रहे हों जो कि शायद उनकी जिंदगी तबाह कर सकता है। पुलिस उनकी निगरानी कर रही है और आपके हुक्म की मुंतजिर है। मैं सोच रही थी अब तक तुमने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। है भी क्या जो बताऊं? यही घर बार, भाई बहन, माँ बाप। बस एक माँ है और कोई नहीं। और पिता? छोड़ो ये बातें, कोई और बात करेंगे। नहीं, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सारी पिछली जिंदगी मालूम होनी चाहिए। समझा। मेरे बारे में कोई फैसला करने से पहले तुम मेरे खानदान और मेरी पोजीशन का सब पता लगाना चाहती हो। ये बात नहीं शंकर। यही बात है मीना। सुनो, मैं कौन? मैं एक ज्वारी और खूनी का बेटा। शंकर, मैं दुनिया से छिपा सकता हूँ लेकिन तुमसे नहीं छुपा सकता। इन रगों में एक ज्वारी, एक खूनी और एक कानून से भागे हुए मुजरिम का खून है। शंकर, शंकर, तुम नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। कितनी खुश हूँ। यानी ये सब कुछ तुम्हें जानकर दुख नहीं हुआ? नहीं, नहीं शंकर, मुझे बुरे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। यानी कि मैं बुरा हूँ? Thank you.
रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। के चली कहाँ नशे में भरी भरी मेरा दिल ओ जाने जा चुरा के चली कहाँ नशे में भरी भरी बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल ओ तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल ओ तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल ओ तेरा क्या कहना। क्या हुजूर से मेरे पास आइए भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। ओ ओ के बेहाल बाल मां के सतरंगी चाल हो तेरा क्या कहना। ओ ओ के बेहाल बाल मां के सतरंगी चाल हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ चूमते तमन्ना थी कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ चूमते। बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल ओ तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल ओ तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल ओ तेरा क्या कहना। अरे ओ गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। Yeah.
कौन आदमी? ये तो मुझे नहीं मालूम सरकार, लेकिन शंकर बाबू के कॉटेज में बैठा है। कौन सा शंकर? वही जो मीना बिटिया को भोला के यहाँ से छुड़ा के लाए थे। सरकार मुझे शक इसलिए हुआ कि मुझे देखकर के वो जल्दी से छिप गया। किस टाइप का आदमी है? बस यही सरकार की उम्र का होगा और एक पैर से लंगड़ा भी है। लंगड़ा? वो देखो सरकार, देखो सरकार। मेरे प्यारे बेटे सोहन, वापसी पर मुझे न पाकर परेशान न होना, क्योंकि एक आदमी ने मुझे यहाँ देख लिया है, इसलिए मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। कल रात जिस स्कीम पर हमने बात की है वो ठीक है। मेरे भाई के कातिल का आज रात खात्मा कर डालो, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हारा पिता विष्णु। डर किस बात का? अगर तुम वो ना हुए जो मैंने समझा है, मुझे यकीन दिलाओ शंकर कि तुम वही हो, वही जो मैं समझ रही हूँ। कसम है ससीन रात की, जिसकी छांव में हमारी कर्म सांसें लिपट रही, मैं वही हूँ जो तुम्हारा दिल कहता, मैं वही हूँ जो तुमने समझ रखा। बदमाश को डाल दो तहखाने में, अगर यहां से ये निकल गया तो टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा सबके। चलो जल्दी करो। बाबूजी, अगर तुझे इतना ही पता होता तो मुश्किल क्या थी। बाबूजी, माँ
मैंने एक सपना देखा है मीना, जैसे कोई कोसे मुझे मार रहा है, लेकिन ये खून कैसे निकला? बेगुनाह की फरियाद आसमान तक जाती है बाबूजी। एक निर्दोष का बदला भगवान आपसे ले रहा है। एक पापी और चंडाल को तू बेगुनाह कह रही है? हाँ, वो बेगुनाह है और उसका सबूत है ये खून जो आपके दिल से छलक कर आपके होठों पर आया है। तेरी समझ को क्या हो गया है मीना? वो मेरे खून का प्यासा है। अगर ये सच होता तो आज आप चैन की नींद सोते, कोड़ों की मार आपके शरीर पर न पड़ती। जो खून शंकर ने तड़प तड़प कर थूका है उसका मजा आपकी जुबान पर न होता। तेरी चाह तुझे भटका सकती है, मुझे नहीं। मैंने अपनी आंखों से विष्णु को उसकी काठी में देखा है। क्या दूसरा शंकर विष्णु को वहाँ नहीं भेज सकता? लेकिन ये खबर दूसरा शंकर नहीं, मेरा नौकर गणेश लाया है। गणेश को खरीदने में कितनी दौलत की जरूरत है बाबूजी? और ये खत, इसमें मेरे खत की साजिश है? ये और ऐसी हजारों चाले शंकर को झूठा साबित नहीं कर सकती, इसलिए कि उसके माथे पर लिखा है वो आपकी औलाद है। देखिए स्पून को, ये वही तो है जो आप अपने कोड़ों से वहां निकाल कर आए। आपका अपना हो मीना, औलाद का खून बहाकर बाप चैन से कभी नहीं सो सकता। ये पहली रात नहीं बाबूजी, आज से हर रात आपके शरीर पर कोड़ों की मार पड़ेगी। आप भी अपने बेटे ही की तरह तड़ेंगे, आपके मुंह से भी वही गरम गरम खून निकलेगा जिसे शंकर ने सिसक सिसक कर धरती के सीने पे उगला है। तुम जाकर दूसरे शंकर के क्वार्टर पर पहरा रखो, जैसे ही मैं बाजा बजाऊं समझ जाना शंकर आजाद हो गया। जाओ। दिनों की बात है डैडी, फिर ये जमीनें हमारी होंगी,
ये चाय के दाग हमारे होंगे। गोपाल की जीवन भर की कमाई हुई दौलत हमारी होगी। मुझे दौलत नहीं, अपने भाई के कातिल का खून चाहिए। इसमें भी देर नहीं डैडी, फांसी का फंदा गोपाल के गले में पड़ चुका है। हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है डैडी, और जब तक वक्त ना आए इंतजार करना पड़ता है, और वक्त आते ही छोड़ दे मुझे, गजब हो गया शंकर, गजब हो गया। क्या हुआ? भोला धावा बोलकर शंकर को छुड़ा ले गया। क्या? शंकर को छुड़ा ले गया? अब सोचने का वक्त नहीं सोहन, ये नाटक हम और नहीं खेल सकते। इससे पहले कि गोपाल को पता चल जाए और वो भाग निकले, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। जीती हुई बाजी हारना चाहते हैं? कल मेरे हक में फैसला होने वाला है, और आप ये चाहते हैं कि मैं बुजदिलों की तरह भाग खड़ा हूँ? ये तबाही का रास्ता आपकी तबाही का होगा, मेरी नहीं। गणेश, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले सरकार। कल सुबह ही सरदार राजपाल के पास जाओ और उससे कहो कि ये सब कब हुआ? सुबह सवेरे नीना बिटिया भोला और उसके साथियों के साथ आई और भाला बोल के शंकर को छुड़ा ले गई। इसका मतलब है वो बदमाश शहर जाकर अपने पिता विष्णु को खबर करेगा, और विष्णु पुलिस को। और गणेश, शंकर बाबू कहाँ है? दो शंकर बाबू अपने कॉलेज में होंगे, जाओ उन्हें यहाँ भेज जल्दी। बेवकूफ लड़की, मुझे इसका दुख नहीं कि तूने मुझे धोखा दिया है, दुख तो इस बात का है कि उस कमीनी के हाथों तू एक दिन आठ आठ आंसू रोएगी। लेकिन तुम मीना को वहां छोड़कर क्यों आए? उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? न जाने उस बिचारी पर क्या गुजर रही होगी। वो जालिम सदा राजपाल मेरा बदला उससे ले रहा होगा। कहां जाते हो साथी? मीना को लेने और सरदार राजपाल से अपना हिसाब चुकाने। चलो। बाबूजी कहाँ हैं? जब मेरा खत तुम्हें मिलेगा, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूंगा। जो राज आज तक तुमसे छुपाया, वो अब और नहीं छुपा सकता। मैं तुम्हारा बाप, वही बाप जिस पर खून का इल्जाम है। लेकिन आज तुम्हारा बाप अपने उस बाप की कीमत चुकाने जा रहा है। मेरे दुश्मन विष्णु को मेरी खबर हो चुकी। इससे पहले कि वह पुलिस को खबर करे, मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। ये मकान और ये सारी जायदाद तुम्हारी। गणेश, हम कामयाब हो गए। ये सारी दौलत हमारी, आज से हम तुम्हारे आका हैं, सरदार सोहन। और मैं सरकार का गुलाम। तो जाओ, हमारे डैडी और मीना को यहाँ ले आओ। आज हम खुशियां मनाना चाहते हैं, सरदार राजपाल की जय बुलाकर। ये इश्तिहार पिछले महीने अखबारों में छपे थे। सीआईडी पुलिस की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो इंसान सरदार राजपाल मुजरिम गोपाल है, जिसको पुलिस हमेशा तलाश करती रही। उसने अपना नाम और भेस बदल कर ये समझ लिया था कि वो कानून को धोखा दे सकता है, लेकिन पुलिस की तेज निगाहों ने उसका पता चला ही लिया। यह है उसकी गिरफ्तारी का वारंट। आप लोग आज ही रवाना हो जाइए और मुकामी पुलिस से मदद लेकर उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लीजिए, तब तक मैं घोड़े को पानी पिला लूं। शाबाश बेटा।
कमला, मेरी पत्नी। तुम लोगों का मेरे साथ आना ठीक नहीं है भोला, वहां मौत की बाजी लगी है, अब भी वक्त है, लौट जाओ। भोला कायर नहीं है साथी, भोला ने सारा जीवन मौत के साथ खेलकर गुजारा है। भोला भोला, वो देखा भोला, उस टांगे को देखा भोला, शायद उसमें मेरी मां आ रही है भोला। देख माँ, तेरे स्वागत को यहाँ का सरदार और मेरा दोस्त भोला आया। आहा, क्यों भाई पहलवान, सुनाओ क्या हाल है? सलाम है दूर। सलाम भैया। ये तुझे क्या हुआ, तेरे सर पे चोट कैसे लगी? ये मेरी कमाई है माँ, मेरी मेहनत की कीमत। क्या कह रहा है तू, किसने तुझ पर हाथ उठाया? वही जिसके पास तुमने मुझे नौकरी के लिए भेजा था माँ, सरदार राजपाल। ये कैसे मुमकिन है, क्या बिगाड़ा था तुमने उनका? ये तो मुझे भी नहीं मालूम माँ, लेकिन एक दिन जरूर मालूम हो जाएगा, और उस दिन कोड़ा उसके हाथों के बजाय मेरे हाथों में होगा माँ। वो दिन आ गया है शंकर, ये लो कोड़ा और कर लो अपनी तमन्ना पूरी, बहाओ खून, लगाओ घाव पे घाव, अगर ये जिस्म फरियाद भी करे थूकना आकर मेरे मुंह पर। चलो भोला, तुम्हारा ढोंग मुझ पर असर नहीं कर सकता राजपाल, मैं बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा अपने जुल्मों का, मैं तुम्हारा गरूर खाक में मिला के रहूंगा। शंकर हाथ रोक ले, शंकर हाथ रोक ले, कहीं ऐसा ना हो बेटे का हाथ बाप पर उठ जाए। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ, ये तेरे पिता है, वही पिता जिनसे तुझे नफरत है, लेकिन फिर भी तू इनकी औलाद है, इनका खून तेरी रगों में है। बाप बेटे के टुकड़े भी कर दे तो माँ संग दिल कहकर छोड़ देती है, लेकिन बेटा अगर बाप पर हाथ उठाए तो माँ उस दिन को कोसती है जिस दिन उसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। कहाँ जा रहा है तू? तुम्हें याद होगा माँ, मैंने कहा था जिस दिन तुम्हें तुम्हारे पति मिलकर, तुम्हें पति और बेटे में से एक को चुनना होगा। मैं जानता हूं तुम्हारा फैसला क्या होगा, इसीलिए तुम्हारे फैसले से पहले मैं तुम्हें खुद ही छोड़कर जा रहा हूं, ताकि हमारे पिछड़ने का दोष अगर किसी को मिलना है तो मुझे मिले, तुम्हें नहीं मां। शंकर रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा, मैं जानता हूं मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन याद रख मेरे बेटे, तेरे जिस्म पर घाव लगे हैं तो मेरे दिल में तेरे शरीर से लहू टपका है, तो मेरे दिल से तेरा जिस्म तड़पा है, तो मेरी आत्मा तड़पी है, और ये सब कुछ हुआ किस्मत के हाथ, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि कोई बाप अपने बेटे को जलील करके घर से निकाल दे और अपने जीवन की सारी कमाई अपने दुश्मन के बेटे को अपना बेटा समझकर सौंप दे। ये क्या कह रहे हैं ना? ठीक कह रहा हूँ कमला, विष्णु और उसके बेटे सोहन ने मुझे चाल बिछा कर लूटा है, लेकिन मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, मेरा दावत भी बाकी है। नाथ, कहाँ जा रहे हैं नाथ? तुम अकेले हो, वो सारे के सारे। मैंने जीवन की हर लड़ाई अकेले ही लड़ी है कमला, मेरा कोई साथी नहीं। मैं आखिरी बात तुमको पूछता, शहर चलना है या नहीं? आप भी कमाल करते हैं डैडी, आखिर इतनी जल्दी क्या है? किस मुश्किल से कामयाबी हासिल हुई?
और अब इस कामयाबी का मजा ना लूटें। जो मजा लूटना है शहर चल के लूटना, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। खतरा? कैसा खतरा? आप भी बड़े ही वहमी हैं डैडी। अरे बाप रे, सरदार राजपाल। राजपाल, बंदूकें संभालो। आप आते हो उसने? बाजी अभी खत्म नहीं हुई, आखिरी दांव तो देखते जाओ। बेटा सुहर। डैडी, 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 खड़े हुए मुंह क्या देख रहे हैं? थोड़ी देर में शंकर यहां आता होगा, भाग की तैयारी करो। चलो गुनाहों की कीमत अदा कर चुका है, अब तो उसे माफ कर दो पिताजी। अब मुझे मौत का भी दुख नहीं, मुझे मेरा शंकर मिल गया। मेरी फिक्र न करो, मेरी जिंदगी पर तो शाम आ ही चुकी है। मीना को बचाओ, वो बदमाश अभी अभी उसे मोटर में लेकर यहां से भाग निकला है। मोटर में? तुम फिक्र करो सरदार, भोला अपनी जान की बाजी लगाकर मीना को लाएगा। चलो साथी। मुझे क्षमा कर दो कमला, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। जिस आदमी की आपको तलाश, वो मैं ही। जल्दी डॉक्टर जाओ। राजा,
करूंगा। कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की को खाई में फेंक दूंगा। अगर मीना की जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं शंकर। मैं मरूंगा लेकिन साथ तुम्हारी प्रीतमा को लेकर। आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। नहीं देखा।